लगेगा, तब तक हम जो है हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग घर में बन रहे हैं देसी मशरूम, तो दिखाते हैं आप सबको। इसको हम लोग का बोलचाल की भाषा में खुखड़ी बोलते हैं, पतियारी खुखड़ी। तो देखिए हम धोने लग गए हैं इसको, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और मेरी सानू भी साथ दे रही है। तो फ्रेंड ये मेरे गांव से आया है, दुकान में दे दिए तो लेट हो गया। मेरे हस्बैंड जब दुकान बढ़ा के आए तो लाए हैं, तो रात हो गया है फ्रेंड, टाइम हो गया 8। और इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दिए थे, उसके बाद इसको हम धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। इसका मिट्टी रहता है इसपे। सानू भी देखिए इतना रात तक सोई नहीं है। और देखिए जब हम मशरूम धो रहे हैं खुखड़ी, तो ये भी लग गई है मेरे साथ। इसे साफ करते हैं फ्रेंड, उसके बाद दिखाते हैं आप सबको। कहाँ जी ये एकदम आती सब फ्रेंड, देखिए इसको जो है हम लोग एक बार धो लिए हैं, करीब करीब धोया ही गया है। और एक पानी धो के इसको जब काटेंगे, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कटने के बाद। देखिए फ्रेंड हम लोग का मशरूम जब जो है कट चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड ये जो है इस खुखड़ी को बनाने में 1 घंटा लग गया। हमको तो देख के बहुत जल्द तो खाने का मन कर रहा है, क्योंकि इस साल का पहली बार खा रहे हैं। 1 दिन भी नहीं मिला था, वो भी मेरी माँ भेजती है तब जाके मिल रहा है। तो फटाफट से बनाने स्टार्ट करते हैं, इसको देख के मेरा भूख ज्यादा जग गया है। देखिए फ्रेंड कढ़ाई में जो है ऑलरेडी हम तेल डाल चुके हैं। तो फ्रेंड देखिए तेल गर्म हो चुका है, उसमें हम मिर्ची और तेज पत्ता डाल दिए हैं। अब डाल दे रहे हैं कटा हुआ प्याज। एक खुखड़ी जो है नॉनवेज से काम नहीं है, इसीलिए देखिए प्याज जो है बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी भी हम कर लेंगे जल्दी से सुनहरा कलर, क्योंकि खुखड़ी डालेंगे तो पानी बहुत सारा खींचेगा, तो भुना नहीं पाएगा, इसीलिए हमको इसको बहुत अच्छा से भूनना पड़ेगा। प्याज भुजा गया है, इसी में हम डाल देते हैं नमक हल्दी, क्योंकि खुखड़ी को डालने के लिए चलाने नहीं बनेगा, भर जाएगा कढ़ाई में, इसीलिए तो हमें डाल देते हैं। इसको भुजिया बनाना है अपने हिसाब से नमक। आज हम लोग इसको भुजिया बनाएंगे, मसाला बनाने वाले नहीं है। हल्दी भी डाल दी है, कलर देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस पे डालते हैं हम खुखड़ी। थोड़ी देर के लिए फ्रेंड अब इसको ढक देते हैं, क्योंकि अभी इससे पानी निकलने वाला है बहुत सारा, दिखाएंगे 5 मिनट के बाद। हमके देखिए फ्रेंड इसमें कितना सारा पानी छूट रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तब तक हम जो है एक साइड रोटी बना लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए फिर से इसे ढक लेते हैं। तो शुरू करते हैं एक साइड रोटी बनाना। एक बार में 2 काम हो जाएगा मेरा। तो तई गर्म हो गया है, पहले बना लेते हैं रुखड़ी रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है रुखड़ी रोटी खाते हैं, हम लोग खाते हैं परोठा। रुखड़ी रोटी जो है बन गया है, अब बनाना है पराठा। तब तक इसको देख लेते हैं, लग रहा है बढ़िया। वाह क्या खुशबू है फ्रेंड, बहुत जल्दी हम एकदम जल्दी है खाने का मन कर रहे हैं। देखिए सारा पानी जो है इसमें एब्जॉर्ब हो गया है, पर इसका फ्लेम कम कर देते हैं, धीरे धीरे होते रहेगा। लेकिन अभी रोटी बन के हो गया है रेडी, अब देखते हैं इसका क्या हाल है। देखिए बन ही गया है, अब इस पे डाल देते हैं MDH मसाला। 5 मिनट का देरी है, फिर तैयार हो जाएगा सब्जी भी। खुखड़ी का भुजिया हो गया है रेडी फ्रेंड, इसका मसाला नहीं बना रहे हैं। और कभी जब हम मसालेदार मशरूम देसी मशरूम बनाएंगे तो जरूर दिखाएंगे। तो इसका आज हम लोग भुजिया खाने वाले हैं। तो ये हो चुका है, गैस कर देते हैं बंद। तो फ्रेंड हम जो है खा लिए हैं आज आगे, क्योंकि हमको बहुत भूख लगा था और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, तो हम उससे पूछते हैं। तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है, खाने में एक नंबर लगा। तो फ्रेंड हम लोग खा लिए हैं,
सब कोई अब जा रहे हैं सोने के लिए, बहुत रात हो गया है, 10:30 हो गया टाइम। आज का वीडियो में इतना ही। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।